और उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में दो लोगों का इनकाउंटर पूरे दिन सुर्खियों में रहा, तो वहीं रात होते होते पड़ोसी जनपद श्रावस्ती में भी एक बदमाश का श्रावस्ती पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। श्रावस्ती पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि पड़ोसी जनपद का वांछित एक गैंगस्टर, जिसके ऊपर पड़ोसी जनपद बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, और वहीं पूरे देवी पाटन मंडल में आतंक मचाने वाला ये बदमाश, जिसके ऊपर DIG देवी पाटन मंडल ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित करके रखा था। श्रावस्ती पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ये भिनगा के जंगल से होते हुए अंटा तिराहे होते हुए नेपाल भागने के फिराक में है। श्रावस्ती पुलिस ने अपनी टीम लगाई, जंगल में अंधेरा था। वहाँ पर जब श्रावस्ती की पुलिस इसे पकड़ने पहुँची, तो वहाँ पर इसने श्रावस्ती पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में श्रावस्ती पुलिस ने गोली चलाई और गोली इसके पैर में लगी, जिसके बाद ये लंगड़ा हो गया और इसके बाद श्रावस्ती पुलिस ने इसे पकड़ लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बताया है कि ये सोनू पुत्र मेवालाल, जो कि श्रावस्ती जनपद के कवना थाना क्षेत्र के पूरे दिनामगढ़ गांव का निवासी है, इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, और ये अंटा तिराहे से होकर के भिनगा जंगल से होकर के नेपाल भागने की फिराक में था, जहाँ पर श्रावस्ती पुलिस के साथ में रात 11 बजे के करीब में मुठभेड़ हुई है, और इसके पास से अवैध असलहा भी बरामद हुआ है। इसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, और जब ये घायल हो गया है तो उसे देर रात को भिनगा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने ये जानकारी दी है कि इसके ऊपर गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक ने 25,000 के नाम की घोषणा इसके ऊपर पहले से कर रखी है। DIG देवी पाटन मंडल के द्वारा 50,000 का इनामिया ये अपराधी था, जिसको श्रावस्ती पुलिस ने इनकाउंटर में देर रात को ढेर कर दिया है। बुरी तरीके से घायल हो गया है, गोली इसके पैर में लगी है, जिसको जिला अस्पताल भिनगा में भर्ती कराया गया है। अवैध असलहा कारतूस इसके पास से बरामद हुआ है, ये श्रावस्ती पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। आज रात लगभग 10:45 बजे भिनगा पुलिस और सर्विलांस टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक बदमाश जो इनामिया है और वो नेपाल की तरफ भाग रहा है। इस सूचना पर भिनगा के जंगल में घेराबंदी की गई और इस दौरान अपराधी ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिससे बचाव में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है। उसको तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया है। उसके पास से एक तमंचा, एक खोखा और खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। इसके अलावा उसे हॉस्पिटल में जाकर इलाज के दौरान पूछताछ की गई तो वो सोनू पुत्र मेवालाल निवासी देनामगढ़ थाना इकौना का निवासी बताया गया है। इस पे थाना इकौना का हिस्से सीटर है और इसके 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, जो जनपद बलरामपुर, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती में है। ये गैंगस्टर का भी अपराधी रहा है। इसके जनपद गोंडा और बहराइच से गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है और इस इनामी बदमाश को आज सर्विलांस टीम प्रभारी और थानाध्यक्ष भिनगा के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा अरेस्ट करने में सफलता मिली।